वीडियो में जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ ब्रह्मास्त्र मूवी में, इन पॉइंटों पर ध्यान दिया होगा तो ब्रह्मास्त्र इंडिया की सबसे बड़ी सुपर हीरो मूवी बन जाएगी। ब्रह्मास्त्र मूवी को सुपर हीरो जॉनर में रहें तो इंडिया में दो ही मूवी चली हैं, एक ऋषि रिच, दूसरी मिन्नल मुरली। सुपर हीरो मूवी के नाम पर वो लव स्टोरी दिखा देते हैं और सुपर हीरो का मोटिव लीड एक्ट्रेस को इम्प्रेस करने में होता है। ब्रह्मास्त्र मूवी में रणबीर कपूर सब कुछ आलिया भट्ट के लिए करते हुए दिखे तो ये मोटिव बिल्कुल छोटा हो जाएगा एक सुपर हीरो के लिए। सुपर हीरो मूवीज में स्टोरी से हटकर 3-4 गाने चला देते हैं जिसका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं होता। ब्रह्मास्त्र मूवी में गानों को ऐसे डिजाइन किया हो कि स्टोरी पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, स्टोरी स्मूथली चलती रहे। इंडियन सुपर हीरो मूवीज में कोई सुपर हीरो बनता है उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो सुपर हीरो बनने से पहले जैसा था सुपर हीरो बनने के बाद भी वैसा ही रहता है। स्पाइडरमैन मूवी आप देखोगे तो पीटर पार्कर जब स्पाइडरमैन बनता है तो उसकी लाइफ में भी चेंज आता है। पीटर पार्कर अपनी लाइफ में थोड़ा सीरियस होता है और अपनी लाइफ में थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देता है। बर्डन भी लेकर चलता है कि मैं सुपर हीरो हूँ, मुझे दुनिया को बचाना है, और वो पीटर पार्कर में भी दिखता है। रणबीर कपूर के कैरेक्टर शिवा को पता चले कि उसके पास सुपर पावर है तो उसके अंदर चेंज आना चाहिए और हमें दिखना भी चाहिए कि पहले वो कैसा था और अब कैसा हो गया। इंडियन सुपर हीरो मूवीज में पूरा फोकस हीरो पर होता है, दूसरी कास्ट पर इतना फोकस नहीं किया जाता। वो हंस लेते हैं, खुश हो लेते हैं कि हमारा दोस्त सुपर हीरो है। इंडियन सुपर हीरो मूवीज में एक और कमी देखने को मिलती है कि कोई सीरियस कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता, सभी कॉमेडी कर रहे होते हैं। आयरन मैन मूवी में पता चलता है कि टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है तो दूसरी कास्ट में भी चेंज आता है, हैप्पी कॉमिक वे में ही थोड़ा सीरियस हो जाता है और पेपर अपनी लाइफ में थोड़ी और सीरियस होती है, कंपनी को लेकर सीरियस होती है और वो टोनी स्टार्क की थोड़ी और केयर करने लगती है। और उसका दोस्त रोडी वो तो बिल्कुल चेंज ही हो जाता है और वो सुपर हीरो भी बनता है, उसको डिवाइस भी देता है तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है, उसके कैरेक्टर में भी चेंज आता है और सभी कैरेक्टरों में चेंज देखने को मिलता है। टोनी स्टार्क के कैरेक्टर के साथ साथ दूसरे कैरेक्टरों में भी चेंज देखने को मिलता है, पर इंडियन मूवीज में ऐसा नहीं किया जाता। ब्रह्मास्त्र मूवी में पता चले कि शिवा के पास सुपर पावर है, उसे एक सुपर विलन से लड़ना है तो उसके आसपास रहने वाले कैरेक्टरों में भी चेंज आए। सुपर हीरो मूवीज में क्लाइमैक्स में विलन आता है और उसका मोटिव पूरी दुनिया को खत्म करना होता है और सुपर हीरो से लड़ता है और उसे मार देता है और स्टोरी खत्म हो जाती है और फील आता ही नहीं कि एक सुपर विलन है और हमें उसे डर लगे जब उससे सुपर हीरो लड़ रहा है, ऐसा फील हो कि एक हीरो दूसरे विलन से लड़ रहा है। साउथ में एक मूवी आई थी मिन्नल मुरली, वो एक सुपर हीरो मूवी है, उसमें एक सुपर विलन होता है, उसे देखकर हमें डर भी लगता है, घिन भी होती है, अपने आप को विलन साबित करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है, वो कोई बड़ा काम नहीं करता कि वो पूरी दुनिया को दबा कर रहा है, वो छोटी छोटी चीजों से ही हमें डरने पर मजबूर कर देता है और हम उससे नफरत करने लगते हैं। वो बच्चों को किडनैप कर रहा है, वो मर्डर कर रहा है, पर उसे देखकर डर लगता है, उसे नफरत होती है। ब्रह्मास्त्र मूवी में मुन्नी रॉय विलन बनी है, उनका कैरेक्टर क्या कर सकता है हमें दिखाना चाहिए, अपनी जीत के लिए किस हद तक जा सकता है वो दिखाना चाहिए, और जब गुड और बैड की लड़ाई हो तो फील होना चाहिए कि गुड और बैड की लड़ाई चल रही है, और मोनी रॉय के कैरेक्टर से हमें कहीं ना कहीं नफरत हो जानी चाहिए और उसे थोड़ा डर भी लगना चाहिए। जब लड़ाई हो गुड और बैड में तो हमें पता चलना चाहिए कि गुड और बैड लड़ रहे हैं। इन सभी पॉइंटों पर ध्यान दिया जाएगा तो स्टोरी के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और हमें सुपर हीरो मूवी देखने में मजा आएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई मूवी के साथ। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।